हाय फ्रेंड्स, डायबिटीज आज पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी से फैल रही है। इंडिया में भी हर साल डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डायबिटिक वो कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है। ये इंसुलिन ही शुगर को हमारे सेल लेवल तक लेके जाती है और ये बॉडी को एनर्जी देती है। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज बनाती है। डायबिटीज एक वो कंडीशन है जिसमें हमारी पैनक्रियाज में जा तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, अगर बनता है तो वो बहुत कम मात्रा में बनता है या ये बनना ही बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। शुगर हमारे ब्लड में बढ़ती है और इसे सेल लेवल तक ले जाने के लिए हमें अलग से दवाई लेनी पड़ती है या इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। बढ़ा हुआ शुगर लेवल हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे आईज, किडनी, हार्ट और लीवर को डैमेज कर सकता है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किन लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जिन ओवरवेट है, जिनको मोटापा है, उन्हें अपनी शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जिनके माँ बाप ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें अपनी शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जिनका बीपी अक्सर बढ़ता है तो उन्हें भी अपनी शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जिनके जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो उन्हें भी डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता है। जिनके फोड़े फिंसी ज्यादा निकलते हैं या अक्सर बार बार निकलते हैं तो उन्हें भी डायबिटिक होने का खतरा बढ़ सकता है। जिनको अक्सर सारा दिन वीकनेस बनी रहती है उन्हें भी डायबिटिक होने का खतरा ज्यादा है। जिन्हें दिन के अंदर ही नींद आती है उन्हें भी शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। या जिन्हें ज्यादा भूख लगती है या अगर वो ज्यादा खा रहे हैं इसके बाद भी उनके शरीर में एनर्जी लेवल नहीं मेंटेन हो रहा है तो उन्हें भी शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटिक हो गई है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए और किन चीजों का परहेज रखना चाहिए। तो पहले आप सलाद और फल खाना शुरू कर दें। सलाद की एक प्लेट सुबह में और एक प्लेट शाम को जरूर खाएं। फलों में चीकू, आम, केला और अंगूर और पाइनएप्पल और तरबूज ना खाएं। फलों में पपीता, सेब और अमरूद दिन में एक बार खा सकते हैं। डेली 45 मिनट की सैर शुरू कर दें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करें। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना जरूरी होता है। हर बार एक ही समय में अपना शुगर लेवल चेक ना करें, अलग अलग समय पर शुगर चेक करके उसको देखते रहें। शुगर की दवा जो डॉक्टर ने आपको बताई है वो अपने समय से खाएं, उसकी कभी भी ओवरडोज ना खाएं। अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो उसको डबल ना खाएं। शुगर के मरीज अक्सर ये गलती करते हैं कि वो चीनी तो अक्सर बंद कर देते हैं लेकिन गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो एक बात ध्यान रखें कि चीनी, गुड़ और शक्कर तीनों में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती है। तो डायबिटिक पेशेंट को तीनों चीजों से परहेज रखना है। डायबिटिक पेशेंट को हर 4 महीने बाद अपना एवरेज शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। इसके लिए आप HbA1c टेस्ट भी करवा सकते हैं जिससे हमको पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल का पता चल जाता है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप हफ्ते में एक बार चिकन या फिश खा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि वो ग्रिल्ड या बेक्ड होनी चाहिए, आपको डीप फ्राइड नहीं खाना है। वेजिटेरियन लोग फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं वो खा सकते हैं। सब्जियों में बैंगन, करेला, गाजर, गोभी, टमाटर, खीरा, तोरी, भिंडी, पेठा, पालक, पुदीना, घिया खा सकते हैं। शुगर के मरीज चाय और नींबू पानी पी सकते हैं लेकिन इनमें आपने मीठा ऐड नहीं करना है। खट्टी लस्सी का सेवन कर सकते हैं लेकिन खट्टी लस्सी को आप दोपहर के समय ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं, ये भी आपके लिए गुणकारी है। शुगर के मरीज बादाम, अखरोट और मगज मखाने खा सकते हैं, इनसे शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं। नॉर्मल आटे की जगह पे आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कीजिए तो भी ये आपके लिए फायदेमंद है। ग्रीन टी या हर्बल टी का सेवन भी शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है। शुगर वाले पेशेंट अपने वेट का पूरा ख्याल रखें, अपने वेट को बढ़ने ना दें। अपनी डाइट में कैलोरीज, कम कैलोरी वाला खाना लें और ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें। डायबिटिक के पेशेंट अपने पैरों का पूरा ख्याल रखें और अपने पैरों को चोट ना लगने दें, और अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।